अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आई केयर प्रोजेक्ट्स यूट्यूब का चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस हासिल करते रहें। आज हम लेके हैं आईफोन की यूएसबी का रिव्यू। हर फोन पे इजीली सपोर्टेड है, आईफोन 6 से लेके आईफोन 11 प्रो तक। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये लिमिटेड टाइम पे चलेगी। वैसे किंगस्टन और सैंडिस्क ने वगैरह ने भी, आई ड्राइव जैसे अभी तीसरा ब्रांड है, इसने भी और भी यूएसबीज बनाई है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो iOS 13 जब जैसे अभी लेटेस्ट चल रहा है तो iOS 13 में वो रन नहीं करती, चलती नहीं है, वर्क नहीं करती। तो ये जो है ये ऑल इन वन है, यानी कि ये iOS 6 से लेके iOS 13 या आगे जो कमिंग 14 है सभी में आपका एडजस्टमेंट। ये सोचते हैं यार आईफोन में हम म्यूज़िक नहीं डाउनलोड कर सकते, आईफोन में हम यूट्यूब की वीडियोस कॉपी नहीं कर सकते, आईफोन में हम जो है किसी एंड्रॉयड फ़ोन की जैसे हम यूएसबी प्लग करके आईफोन में हम डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ों का हल ये ड्राइव लेके आई है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका रिव्यू लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये है आई ड्राइव जो आप देख रहे हैं, इसको अभी हम अनबॉक्स करने लगे हैं। वैसे इसमें कुछ खास तो होता नहीं है, सिर्फ सिंपल इसमें एक उन्होंने आई ड्राइव दी है और आई ड्राइव की खाली पैकिंग है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक साइड पे मिलेगा आपको लाइटनिंग जैक और दूसरी साइड पे मिलेगी आपको नॉर्मल लैपटॉप वाली यूएसबी। और इस पे की है 32 GB की कुछ ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। चलिए इसको फ़ोन के साथ प्लग करके देखते हैं। सबसे पहले जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें इसमें ऐप स्टोर खोलना पड़ेगा। इसको सर्च करेंगे, सर्च पे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे iUSB। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है iUSB Pro, यानी कि ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है इसमें। तो आप इसको सिंपली अगर आप USB प्लग भी करेंगे ना डायरेक्टली तो भी वो ऑटोमेटिकली हमसे पूछ लेगा कि आप iUSB Pro चलाना चाह रहे हैं। आपने इसको अलाउ कर देना है। ऐप कैमरा, यानी कि कैमरा मींस कि हम इसमें कोई भी फ़ोटो लेंगे तो डायरेक्टली ये जो पिक्चर हमने ली है वो आपने देखा होगा इस USB में डायरेक्ट आ गई है। ये है इसका डायरेक्ट USB का लगा के पिक्चर वगैरह लेने का मेथड। उसके अलावा आईफोन में जितनी भी आपकी फ़ोटोज़ हैं सारी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। सेटिंग में कुछ खास नहीं है, सिर्फ कैमरे की सेटिंग उन्होंने दी है। जो भी रिज़ल्ट आपका कैमरा सपोर्ट करता है उस लिहाज से उसको सेटिंग दे देगा। ये नीचे लिखा आ रहा है ET USB का नाम है, यानी कि 32 GB की USB है और आईफोन मेरा 512 GB का, दोनों की मेमोरी शो हो रही है। उसके अलावा आप इसको ऐप USB के सॉफ्टवेयर को फेस ID भी लगा सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं, शो हिडन फाइल्स, लाइक अगर आपने कोई हिडन फाइल्स रखी है USB में तो वो शो करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया होता है। एक डेमो के तौर पे इसमें पहले से 2 वीडियोस कर रखी हैं। बैकअप अगर आप लेना चाहें तो बैकअप में, यानी कि फ़ोटोज़ का बैकअप ये लेता रहेगा। फाइल हमने USB से फ़ोन में कॉपी करनी है तो वो बहुत ईजी मेथड है। जैसे कि अगर हम वीडियो भी ले लें, अगर आप सिंपल वीडियो को खोलेंगे तो ये वीडियो जैसे हमारी कोई भी चल रही है, ये वीडियो हमारी प्ले होगी अगर हम USB के थ्रू डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं कि आपकी USB के थ्रू डायरेक्ट चल रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये कॉपी हो जाए। तो तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यानी कि एक्शन में पुश करेंगे तो एक्शन में वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो आप ओपन इन ईमेल या सेव टू कैमरा रोल या रीनेम, यानी कि कैमरा रोल पे पुश करेंगे तो ये वीडियो डायरेक्टली कैमरा रोल में चली जाएगी। और इसको ओपन इन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने व्हाट्सएप या किसी अदर ऐप में तो नहीं सेंड करनी, तो वो आपको अभी ऑप्शन नहीं देगा ये ओपनिंग के बाद। ये देखें, ये सेव टू फाइल्स भी कर सकते हैं, ऐड टू शेयर्ड एल्बम भी कर सकते हैं, एयर ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह जो मर्जी आप इसको इजीली सेंड करें। ये आपकी USB का डाटा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं USB में ना रखूं और इसको कॉपी टू फ़ोन कर लूं तो आप कॉपी टू फ़ोन भी कर सकते हैं। कोई भी आप वीडियो ले लें जैसे कि बाइकिंग, मैंने इस पर वही चीज़ एडिट पर टैप करना है, सिंपल पर क्लिक करना है और सेम टू सेम वही कॉपी टू ऐप, ये मेरी ऐप में सेव हो जाएंगी। ये मेरी इस वक्त जो मैंने फिर वीडियो कॉपी की है, जो मैंने पिक्चर कॉपी की है वो मैंने USB उतार भी दी है, लेकिन फिर भी वो मेरी ऐप में पड़ी हुई है, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह इसमें पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है और ये USBs ऑलमोस्ट कह लें कि आपको 3500 की रेंज में आपको बाज़ार में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको ये 128 GB चाहिए, 64 GB चाहिए, 32 GB चाहिए तो ईज़िली आप इसको हमारी जो है दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर उससे आप रابطہ करके और ये चीज़ बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जी तो नाज़रीन, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये प्रोडक्ट कैसी लगी। अगर इस तरह की प्रोडक्ट्स का आप रिव्यू देखना चाहते हैं या हमसे लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।